इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पीएफ बैलेंस चेक और ईपीएफ पासबुक कैसे डाउनलोड किया जाता है। पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए आप किसी भी एक ब्राउज़र पर आएंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे ईपीएफओ मेंबर पोर्टल। उसके बाद सर्च करेंगे, यहाँ जो फर्स्ट लिंक आ रहा है मेंबर होम, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना यूएनए नंबर डालेंगे और यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे। यूएनए नंबर और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करेंगे, ऊपर जो लिखा हुआ है सेम वैसा ही लिखेंगे। उसके बाद साइनिंग करेंगे। यहाँ ई नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में कुछ बता रहा है, यहाँ लेटर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पिन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और भी आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। पीएफ स्टेटमेंट देखने के लिए यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पासबुक पर क्लिक करेंगे। यहाँ फिर से अपना यूएनए नंबर और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करेंगे, यानी इसका आंसर देंगे 31-3 28। उसके बाद लॉगिन। उसके बाद यहाँ से मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे। मेंबर आईडी आपके पास एक या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कितने कंपनी में काम किए हैं। आप जिस भी मेंबर आईडी का स्टेटमेंट देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू पासबुक पर क्लिक करेंगे। व्यू पासबुक पर क्लिक करते ही आप अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं, कब किस डेट में कितना जमा हुआ है, और यह है क्लोजिंग यानी टोटल बैलेंस, यह है एम्प्लॉय शेयर, और यह है एम्प्लॉयर शेयर, और यह है आपका पेंशन। स्टेटमेंट यानी पासबुक को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डाउनलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओपन करेंगे और आपका ईपीएफ पासबुक डाउनलोड हो चुका है। ये रहा आपका पूरा स्टेटमेंट। स्क्रॉल डाउन करके आप पूरा स्टेटमेंट देख सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे ईपीएफओ पासबुक कैसे डाउनलोड किया जाता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अब भी कोई डाउट है ईपीएफओ पासबुक डाउनलोड करने से रिलेटेड तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आई होप दिस लाइक वीडियो। थैंक्स।